नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं एसपीटी 790। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस फील हो रही है तो उस केस में आप कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करें, कौन कौन से जल का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तब तक सबसे पहले पहुँच कर। दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोगों का समय कम होता है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं जिससे उनके बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं इन दवाओं का तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रयोग क्या क्या करना है आपको हम बता दे रहे हैं। आपको सिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का प्रयोग करना है और कानफिडो टैबलेट का प्रयोग करना है। इन दोनों टैबलेट्स का आपको प्रयोग करना है। वैसे तो बहुत सारे जैसे ट्रेंटेक्सपोर्ट हो गया, स्पेमैन हो गया, ये सारी दवाएँ हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाएँ हो जाती हैं तो लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको प्रयोग क्या करना है, आपको प्रयोग करना है आपको सिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का केवल एक समय रात में, और जो आपको कानफिडो टैबलेट रहेगा दोनों टाइम प्रयोग करना है, सुबह शाम में दोनों टाइम कानफिडो टैबलेट का प्रयोग करिए और उसके साथ में जो सिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है इसका केवल एक समय प्रयोग करिए। इससे आपका जो सेक्सुअल वीकनेस है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा एक दो तीन महीने में। इसका आप लगातार प्रयोग करते रहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना है आपको इसमें। तो आपको जिससे तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर आप डली का प्रयोग करते हैं या फिर आप गुटखे का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग बंद कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। तो इन दोनों दवाओं का प्रयोग करिए। और अगर आपका जो वीकनेस है बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपको ट्रेंटेक्सपोर्ट टैबलेट भी लेना होगा। तो ट्रेंटेक्सपोर्ट टैबलेट को आपको एक समय प्रयोग करना है, ये केवल शाम को, और रात में आप प्रयोग करिए आप सिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का और जो कानफिडो टैबलेट है इसका आप दोनों टाइम प्रयोग करिए सुबह शाम में। और अगर आपको ज़्यादा वीकनेस नहीं है, हल्के फुल्के प्रॉब्लम है तो उसके इसमें आप कानफिडो और सिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का ही प्रयोग करिए जो डाबर का आता है। लेकिन अगर आपकी वीकनेस ज़्यादा है तो उसके इसमें आपको ट्रेंटेक्सपोर्ट भी लेना होगा। तो ट्रेंटेक्सपोर्ट का प्रयोग आपको एक समय करना है केवल शाम को, और सिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का प्रयोग करना है केवल रात में। और उसके बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, हल्के फुल्के वीकनेस है तो उसके इसमें आप कानफिडो टैबलेट को सुबह शाम प्रयोग करिए और सिलाजीत गोल्ड कैप्सूल को आपको केवल एक समय प्रयोग करना है, रात में सोने से पहले आप आधा ग्लास दूध के साथ में आप इसका प्रयोग करिए। और इसमें जो परहेज है ये है कि आपको ना तो तंबाकू का प्रयोग करना है, ना तो स्मोकिंग करना है, यानी ये सारी हैबिट्स आपको छोड़नी होगी। अगर आप वाइन का प्रयोग करते हैं, शराब का, तो उसका भी प्रयोग बंद कर दीजिए। उसके साथ साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं तो उसका भी प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से, बहुत ज़्यादा गर्म दूध पीने से या बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीने से भी लोगों में शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने परहेज बताया इसको परहेज को आप करते रहिए। उसके साथ साथ में आप घरेलू नुस्खे का उपयोग करते रहिए, जैसे आपको चने का प्रयोग करना है, बादाम का प्रयोग करना है, इन सब का प्रयोग करते रहे ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई जानकारी छूट गई हो जो हमने आपके साथ में ना शेयर की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।